हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जोली जॉयफुल किचन में। तो आज हम बनाएंगे राई की मिर्च। तो ये बड़ी ही अच्छी लगती है खाने में। इसे साग के साथ, छोले भटूरे के साथ हम खा सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए हरी मिर्च। तो ये थोड़ी इस तरह से ले सकते हैं, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। इस तरह से इन्हें धो के सुखा लें अच्छी तरह से, और फिर इस तरह से बीच में से इन्हें काट लें इस तरह से, क्योंकि इसमें अंदर मसाला भरा जाएगा। इस तरह से काट काट के रख लें। ये हमने काट ली हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमें ये सामान चाहिए: धनिया, राई, बड़ी इलायची, सरसों का तेल और सौंफ, नमक, हल्दी। तो ये सारा मसाला हमारे पास है। इन्हें हम थोड़ा गर्म कर लेते हैं, जिससे कि ये अच्छी तरह से कुट जाएं। धूप में भी सुखा सकते हैं अगर धूप है तो। और ये है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची आपकी इच्छा है स्किप कर सकते हैं, लेकिन अच्छी लगती है इसे अगर डाल दें तो। तो इस तरह से हम इन्हें हल्का सा गर्म कर लेंगे, फिर इसमें राई डाल दें। पहले राई न डालें, नहीं तो इसके दाने चटकते हैं। तो इस तरह से इसे गर्म करके थोड़ा ठंडा हो जाए और इसे कूट लें इस तरह से, और इसके बीज निकाल लें। बीज ही हमें डालने हैं, छिलका नहीं। तो इस तरह से बीज निकाल के डाल दें। अगर ये अच्छी नहीं लगती तो ना डालें। इस तरह से इसे कूट लें, मोमजस्ते में कूट लें या सिल पे पीस लें। मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन ये कम क्वांटिटी है तो मिक्सी में नहीं पीस पाएगी। ज़्यादा हो तो पीस जाती है। और ताज़ा ही पीस के डालें इस तरह से, ताजे में ही टेस्ट आता है। इस तरह से ये कूट गया है। अब हम इसका मसाला बनाते हैं। नमक डालें, जो हमने कूटा था वो डाला। नमक, हल्दी, धनिया डालें और तेल डाल के इसे मिक्स कर लें। थोड़ा सा तेल और डाल दें अगर सूखा सूखा लग रहा है तो। इस तरह से मिला लें। थोड़ी सी राई साबुत भी डाल दें, थोड़ी सी हमने उसमें डाल दी थी, थोड़ी साबुत डाल दें। इससे टेस्ट अच्छा आता है। राई को दरदरी ही कूटें, वो भी जो हमने मोमजस्ते में कूटी थी। और इस तरह से हम इन्हें मिर्च में इस तरह से भर देंगे इस तरह से। नमक भी अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई भी मसाला। तो इस तरह से हम इन्हें भर लेंगे। ये आसानी से भर जाती हैं और सर्दियों में खाने में बड़ी ही अच्छी लगती हैं। इस तरह से हम साथ साथ इन्हें कांच के बर्तन में रख सकते हैं। इस तरह से रखते जाएं और ऊपर से हल्का सा तेल डाल दें, और ये आराम से 8-10 दिन चल जाती हैं। इस तरह से बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी चल जाती हैं 8-10 दिन तो सर्दियों में। और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप भी डाल के देखें, शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।